नाउ आज हम आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर लैम्डा आइजन वैल्यू है स्केयर मैट्रिक्स ए की तो ए माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, एंड कन्वर्सली अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई जीरो है तो लैम्डा जो होगी वो क्या होगी, आइजन वैल्यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर, लेट लैम्डा इज आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर ए आइजन वैल्यू है लैम्डा आइजन वैल्यू है ए मैट्रिक्स की एंड कैपिटल एक्स बी दी आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू लैम्डा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इन टू एक्स। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स माइनस लैम्डा आई इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ आफ्टर टेकिंग कॉमन एक्स वी विल गेट ए माइनस लैम्डा आई इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि अगर b इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, ये होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इसके दो तरह के ही सोल्यूशन होते हैं, एक तो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है और एक हमारे पास नॉन ट्रिवियल और वी कैन से दैट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो जब भी हम आइजन वेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि आइजन वेक्टर जो होता है वो नॉन जीरो कॉलम वेक्टर होता है, इट मीन्स इस होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और वो तभी पॉसिबल है अगर बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि इस केस में हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो। नाउ अब ये हमारे पास बी है, तो क्योंकि x हमारे पास कॉलम वेक्टर है, आइजन वेक्टर है, तो x क्योंकि नॉन जीरो है, सो देयरफोर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा e इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो है, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। एंड कन्वर्सली लेट a डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू जीरो। तो वंस अगेन फिर वही बात कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो b इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स का क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सो इट मींस a माइनस लैम्डा आई इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका क्या होगा, नॉन ट्रीवियल सॉल्यूशन होगा, इट हैज नॉन ट्रीवियल सॉल्यूशन। तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट ए एक्स माइनस लैम्डा आई इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास फिर से वही आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो इट मीन्स लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आइजन वैल्यू आ जाएगी ऑफ ए मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइजन वेक्टर कैपिटल एक्स। और इसी से रिलेटेड एक हमारे पास और हम क्रॉलरी बोल सकते हैं, डिडक्शन बोल सकते हैं, अगर लैम्डा को जीरो से रिप्लेस कर दें, तो अगर लैम्डा को जीरो से रिप्लेस कर दें, जीरो इज आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, इट मीन्स ए क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जीरो इज आइजन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर, काफी इंपॉर्टेंट है। मीन जब भी कभी जीरो आइजन वैल्यू किसी मैट्रिक्स की होगी तो इट मीन वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वी कैन से दैट कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इट मीन वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसकी कोई भी आइजन वैल्यू जीरो नहीं होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जीरो उसकी आइजन वैल्यू नहीं होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, इफ लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स देन लैम्डा टू द पावर एम इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर एम। मीन्स अगर टू आइजन वैल्यू है ए मैट्रिक्स की, तो अगर हमने ए क्यूब की आइजन वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8। अगर ज्यादा दे रखी है तो हम ज्यादा पे रिजल्ट लगा देंगे। मीन्स अगर ए मैट्रिक्स की आइजन वैल्यू हमारे पास 2, 3, 4 है, इफ दी 2, 3, 4 आर आइजन वैल्यूज ऑफ ए और हमने ए क्यूब की आइजन वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हमारे पास आ जाएगा 2Q, 3Q एंड 4Q। तो यही हमने यहां पे प्रूव करना है कि इफ लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्डा टू द पावर एम ये आइजन वैल्यू होगी ए टू द पावर एम की। नाउ सिंस लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट कैपिटल एक्स बी आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू लैम्डा। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स। नाउ और हमने प्रूव क्या करना है कि लैम्डा टू द पावर एम आइजन वैल्यू है ए टू द पावर एम की। नाउ अगर ए टू द पावर एम इंटू एक्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए एंड सो ऑन ए एक्स एम टाइम्स। सो दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू ए, या ऐसे करते हैं आपको एक पहले एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ए स्केयर इंटू एक्स आ जाएगा। नाउ इट कैन बी रिटन एज ए इंटू एक्स। नाउ ए इंटू एक्स की बात करें तो वो हमारे पास लैम्डा इंटू एक्स आ जाएगा, और लैम्डा नाउ इसको हम फिर से लिख सकते हैं लैम्डा इंटू ए एक्स। अब ए एक्स की वैल्यू हमारे पास फिर से लैम्डा एक्स आ जाएगी, तो दैट इज लैम्डा स्क्वायर एक्स। तो ए स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर एक्स। सिमिलरली ए क्यूब एक्स की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर एक्स। अब ए स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या है, लैम्डा स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो लैम्डा स्क्वायर क्योंकि स्केलर है सो इट कैन बी रिटन एज लैम्डा स्क्वायर इंटू ए एक्स। ए एक्स की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे लैम्डा एक्स, सो वी विल गेट लैम्डा क्यूब एक्स। तो ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब एक्स। आप ऐसे भी कर सकते हो बाय इंडक्शन। नाउ तो ऐसे कर लेते हैं, इसको बाय इंडक्शन ही कर लेते हैं। नाउ लैम्डा आइजन वैल्यू है ये हमें गिवन है, तो लेट वी विल प्रूव द रिजल्ट यूजिंग इंडक्शन ऑन एम। वी विल प्रूव द रिजल्ट यूजिंग इंडक्शन ऑन एम। तो सबसे पहले एम की वैल्यू 2 की बात करें तो वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया यहां पे, तो ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। तो लैम्डा स्क्वायर आइजन वैल्यू आ जाएगी किसकी, ए स्क्वायर की। नाउ सुपोज रिजल्ट इज टू फॉर एन इज इक्वल टू के, अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, मीन्स ए टू द पावर के एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर के इन टू एक्स। तो ये हमने अज्यूम कर लिया। नाउ वी विल प्रूव द रिजल्ट फॉर एन इज इक्वल टू के, एम इज इक्वल टू के प्लस वन। नाउ ए टू द पावर के प्लस वन इंटू एक्स इट कैन बी रिटन एज ए इंटू ए टू द पावर के इंटू एक्स,
और ए टू द पावर के एक्स इट कैन बी रिटन एज लैम्डा टू द पावर के इन टू एक्स. नाउ इट अगेन कैन बी रिटन एज लैम्डा टू द पावर के इन टू ए एक्स. ए एक्स की वैल्यू लैम्डा एक्स आ जाएगी. नाउ अगेन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा टू द पावर के प्लस वन इन टू एक्स. हेंस लैम्डा टू द पावर के इज आइजन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर के प्लस वन. तो देयरफॉर रिजल्ट इज टू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन. सो देयरफॉर बाय पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज टू फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लैम्डा इज आइजन वैल्यू ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सा होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. क्योंकि इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कब एग्जिस्ट करता है? अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा. तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, जैसा कि हमने सबसे पहले इस लेक्चर में किया था कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, मींस अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जीरो उसकी आइजन वैल्यू नहीं होगी. जीरो आइजन वैल्यू कब होती है? अगर वो सिंगुलर हो. तो यहां पे क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो जीरो इसकी आइजन वैल्यू नहीं होगी. इट मींस लैम्डा की वैल्यू जीरो यहां पे अगर इन्वर्टिबल है तो लैम्डा कैन नॉट बी इज इक्वल टू जीरो. नाउ बिकॉज ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मींस नॉन सिंगुलर, सो देयरफॉर लैम्डा इज कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. नाउ वी आर टू प्रूव दैट कि अगर लैम्डा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए की आइजन वैल्यू है तो वन ओवर लैम्डा आइजन वैल्यू होगी किसकी? ए इनवर्स की. नाउ बाय डेफिनेशन लेट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, वेयर एक्स हमारे पास क्या है? आइजन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए कॉरस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू लैम्डा. अब क्योंकि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है सो देयरफॉर उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. तो अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लाई, वी विल गेट ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू लैम्डा एक्स. सो इट इज आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए इनवर्स एक्स. आइडेंटिटी इंटू एक्स एक्स. अब क्योंकि लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो है तो लैम्डा से हम डिवाइड कर सकते हैं. इट इज वन बाय लैम्डा ए इनवर्स एक्स. सो देयरफॉर ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन ओवर लैम्डा इंटू एक्स, और वी कैन से दैट लैम्डा इनवर्स इंटू एक्स. तो अगर लैम्डा आइजन वैल्यू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए की आइजन वैल्यू है, मीन्स अगर टू आइजन वैल्यू है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए की, तो टू इनवर्स आइजन वैल्यू होगा किसकी? ए इनवर्स की. नाउ नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सिमिलर मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिसेस हैं, देन ए सेट टू बी सिमिलर टू बी इफ देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी. अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करता है सच दैट बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, देन ए एंड बी आर सेट टू बी सिमिलर. और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है. ऑब्वियसली अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो उनकी आइजन वैल्यूज भी सेम होगी. आपके पास ये भी स्टेटमेंट आ सकती है कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम आइजन वैल्यूज. तो सबसे पहले आपने क्या कर देना है? उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेम कर देना है. नाउ यहां पे सिमिलर मैट्रिसेस की बात की है, लेट ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस. तो बाय डेफिनेशन अगर ए और बी सिमिलर है तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगा, सो दैट बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी. नाउ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा?
डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस लैम्डा आई विच इज इक्वल टू बी की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें पी इनवर्स एपी माइनस लैम्डा आई कैन बी रिटन एज पी इनवर्स आई इनटू पी. नाउ इट कैन बी रिटन एज पी इनवर्स इनटू ए माइनस लैम्डा आई इनटू पी. डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इनटू ए माइनस लैम्डा इनटू पी. तो जैसा कि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी. तो ये यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी. नाउ डिटर्मिनेंट एक नंबर है तो यहां पे हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं. रियल नंबर है. नाउ पी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी. फिर से अब यही वाली प्रॉपर्टी रिवर्स में लगा देंगे. वी विल गेट ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स इंटू पी. अब पी इनवर्स इंटू पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा वन. नाउ वन इंटू दिस वन वी विल गेट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई विच इज करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए. सो देयरफोर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए. इट मीन्स अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं तो उनकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगी. सो हेंस अगर दोनों की पॉलिनोमियल सेम है करेक्टरिस्टिक सो दे हैव सेम आइजन वैल्यू. सो हेंस वी कैन से दैट ए एंड बी हैव सेम रूट्स implies a and b have same eigen values. Now next, an eigen vector x of matrix A cannot correspond to more than one eigen values of A. तो अगर x किसी eigen value का देख के corresponding eigen vector है, अगर लेमडा इज इक्वल टू टू के कॉरस्पॉन्डिंग है आइजन वेक्टर है एक्स, देन एक्स किसी और आइजन वैल्यू का आइजन वेक्टर नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है और उसकी आइजन वैल्यू हमारे पास टू एंड थ्री या आप फोर लेट कर लो, हमारे पास तीन डिफरेंट आइजन वैल्यूज आ गई और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास वन टू आइजन वेक्टर आ रहा है तो ये जो एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू है तो ये वाला जो आइजन वेक्टर अगर आप इसका आइजन वेक्टर फाइंड करोगे तो इसके इक्वल नहीं हो सकता. मीन्स ना तो एक्स थ्री का आइजन वेक्टर होगा ना ही एक्स फोर का आइजन वेक्टर होगा. एक्स अगर टू के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है तो यह सिर्फ टू का ही आइजन वेक्टर होगा, ए की किसी और आइजन वैल्यू का वो आइजन वेक्टर नहीं होगा. तो यही हमने यहां पे प्रूव करना है. तो हम यहां पे क्या कंसिडर कर लेंगे, लेट एक्स इज आइजन वेक्टर ऑफ टू डिफरेंट आइजन वैल्यू. मीन्स हम ये सपोज कर लेंगे एक्स टू का भी आइजन वेक्टर है और थ्री का भी आइजन वेक्टर है. नाउ इफ पॉसिबल लेट X is an eigen vector of A corresponds to two different eigen values lambda 1 and lambda 2. So by definition AX is equal to lambda 1 X होगा और AX is equal to lambda 2 X होगा. वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है लेकिन हमने ऑपोजिट सुपोज कर लिया कि ये हो सकता है. नाउ बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो इट मीन दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. सो इट कैन बी रिटन एज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इनटू एक्स इज इक्वल टू 0. अब क्योंकि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 डिफरेंट हैं तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज नॉट इक्वल टू 0. अब ये नॉन जीरो है तो इट मीन्स
और वी कैन से दैट क्योंकि एक्स नॉन जीरो है, बिकॉज एक्स इज नॉन जीरो आइजन वेक्टर, इट मीन्स लेमडा वन माइनस लेमडा टू की वैल्यू क्या होगी, अगर बिकॉज एक्स इज नॉन जीरो तो लेमडा वन माइनस लेमडा टू की वैल्यू जीरो होगी, मीन्स लेमडा वन इज इक्वल टू लेमडा टू होगा, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नॉट ट्रू, सो देयर फोर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस कि जो एक्स हमारे पास आइजन वेक्टर है वो किसी एक ही आइजन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एक से ज्यादा आइजन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वो आइजन वेक्टर नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने ये प्रूव करना है कि जैसे अगर ए मैट्रिक्स की 2, 3, 4 आइजन वैल्यूज हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्स वन आइजन वैक्टर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वैक्टर एक्स टू है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वैक्टर एक्स थ्री है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो तीन आइजन वैक्टर्स हैं ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ लेट कैपिटल एक्स वन, कैपिटल एक्स टू एंड सो ऑन कैपिटल एक्स एन बी एन आइजन वैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू लेमडा वन, ये लेमडा वन के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये लेमडा टू के कॉरस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, लेमडा एम के कॉरस्पॉन्डिंग। सो बाय डेफिनेशन ए इंटू एक्स आई इज इक्वल टू लेमडा ई एक्स के इक्वल होगा। नाउ वी विल यूज पी एम आई ऑन एम टू प्रूव। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो कैपिटल एक्स वन, कैपिटल एक्स टू, कैपिटल एक्स एम है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एम पे इंडक्शन लगाएंगे। नाउ सबसे पहले फॉर एम इज इक्वल टू वन, नाउ एक्स वन, अब एक्स वन क्योंकि नॉन जीरो आइजन वेक्टर है, क्लियरली अगर नॉन जीरो आइजन वेक्टर है तो ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, नॉन जीरो आइजन वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। सो देयर फोर एक्स वन क्या हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर एम इज इक्वल टू वन। नाउ अब हम अज्यूम कर लेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर एम इज इक्वल टू के। नाउ हमने अज्यूम कर लिया कि एक्स वन, एक्स टू, एक्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अब हम प्रूव क्या करेंगे कि एक्स वन, एक्स टू, एक्स के प्लस वन दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जब भी वैक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो के प्लस वन स्केलर कंसिडर कर लेंगे। नाउ लेट अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा के प्लस वन बिलोंग्स टू एफ सच दैट अल्फा वन इंटू एक्स वन प्लस अल्फा टू इंटू एक्स टू एंड सो ऑन अल्फा के प्लस वन इंटू एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अगर अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा के प्लस वन की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई, देन वी कैन से दैट कि जो के प्लस वन आइजन वैक्टर है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। नाउ इसको कैपिटल एक्स अज्यूम कर लेते हैं, इसको अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू एंड सो ऑन अल्फा के प्लस वन एक्स के प्लस वन। नाउ या ऐसे कर लेते हैं, हम ए से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी विल गेट ए इंटू लेमडा वन अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू एंड सो ऑन अल्फा के प्लस वन इंटू एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू जीरो जीरो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा वन इंटू ए एक्स वन प्लस अल्फा टू इंटू ए एक्स टू एंड सो ऑन अल्फा के प्लस वन इंटू ए एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। नाउ ए एक्स वन की वैल्यू हमारे पास लेमडा वन एक्स के इक्वल है, ए एक्स टू लेमडा टू एक्स के इक्वल है, और ए एक्स के प्लस वन की वैल्यू लेमडा के प्लस वन एक्स के इक्वल है। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फा वन इंटू लेमडा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू इंटू लेमडा टू एक्स टू एंड सो ऑन अल्फा के प्लस वन इंटू लेमडा के प्लस वन इंटू एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। नाउ से दिस इज इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ
नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर टू बाय लैम्डा के प्लस वन एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये जो इक्वेशन है इसको लैम्डा के प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करना है, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन. सो वी विल गेट अल्फा वन इंटू लैम्डा वन माइनस लैम्डा के प्लस वन इंटू एक्स वन प्लस अल्फा टू इंटू लैम्डा टू माइनस लैम्डा के प्लस वन इंटू एक्स टू एंड सो ऑन. अल्फा के इंटू लैम्डा के माइनस लैम्डा के प्लस वन इंटू एक्स के इज इक्वल टू जीरो. नाउ अब एक्स वन एक्स टू और एक्स के यहां पे हमने इसको लीनियर इंडिपेंडेंट अज्यूम किया था, तो क्योंकि एक्स वन और एक्स टू एक्स के लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो ये सारे के सारे स्केलर हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरो. तो अगर अल्फा वन लैम्डा वन माइनस लैम्डा के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सिमिलरली ये वाला स्केलर भी जीरो हो जाएगा. अब क्योंकि लैम्डा वन और लैम्डा के प्लस वन डिफरेंट आइजन वैल्यूज हैं, नाउ बिकॉज लैम्डा वन एंड लैम्डा के प्लस वन आर नॉट इक्वल, अब दोनों की प्रोडक्ट जीरो है, दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं, एफ के एलिमेंट हैं. अब ये एलिमेंट तो नॉन जीरो है, इट मीन अल्फा वन की वैल्यू जीरो होगी. सिमिलरली यहां से अल्फा टू की वैल्यू जीरो आ जाएगी एंड सो ऑन. और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा के के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो. तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के की वैल्यू जीरो अगर यहां पे इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा के प्लस वन इंटू एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. अब क्योंकि जैसे यहां पे हमने किया था, क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर है हमारे पास एक्स के प्लस वन, तो यहां से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर स्केलर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो. तो इस तरह से हमारे पास सारे के सारे स्केलर फ्रॉम अल्फा वन टू अल्फा के प्लस वन जीरो आ जाएंगे. तो अगर ये सारे के सारे स्केलर जीरो है, इट मीन ये जो हमारे पास के प्लस वन आइजन वैक्टर थे ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो हेंस द थ्योरम द आइजन वैक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वैक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो ये तो थी आइजन वैक्टर और आइजन वैल्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू.